गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। नाउ वी विल रीड चैप्टर नंबर 3। द चैप्टर नेम इज तारोज रिवॉर्ड, तारों का इनाम। ओके, ये पंक्चुएशन मार्क यूज हुआ है एपोस्ट्रोफी, और इसका मींस क्या होता है, का के की। अंडरस्टूड? कौन सा मार्क है ये? पंक्चुएशन मार्क है, ग्रामर का टॉपिक है ये, ग्रामर का पंक्चुएशन मार्क। और उसका इसका मींस क्या होता है, जब इस तरीके से पंक्चुएशन मार्क आता है और ऐसा आता है, उसका मींस होता है का के या की। तो तारों का रिवॉर्ड, तारों का इनाम। अब क्या इनाम मिलता है, कैसे उसको इनाम मिलता है, इसके लिए हमको ये स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई विल कमिंग डायरेक्टली ऑन योर स्टोरी। तारोज रिवॉर्ड। ए यंग वुड कटर नेम तारो लिव्ड विद हिज मदर। ए यंग वुड कटर, एक यंग वुड कटर रहता था। यंग मतलब जवान, वुड कटर यानी कि लकड़ी काटने वाला, वुड यानी लकड़ी, कटर मतलब काटने वाला, लकड़ी काटने वाला। नेम्ड तारो, उसका नाम क्या था, तारो। लिव्ड विथ हिज मदर, लिव्ड यानी रहता था, सेकंड फॉर्म यूज हुई यहाँ पे, लिव्ड यानी कि रहता था। विथ यानी के साथ, हिज मदर अपनी मदर के साथ, एंड फादर और फादर के साथ। ऑन ए लोनली हिल साइड, लोनली यानी कि वहां पे और कोई नहीं रहता था, लोनली अलोन। ओके, सुनसान इलाका था, लोनली यानी कि सुनसान इलाका था। हिल साइड किसकी तरफ, पहाड़ी की तरफ। तो इसका मींस वापस बताता था, ए यंग वुड कटर, एक जवान वुड कटर, लकड़ी काटने वाला, नेम तारो, जिसका नाम तारो था, लिव्ड रहता था विथ हिज मदर अपनी मम्मी के साथ यानी माता जी के साथ, एंड फादर अपने पिताजी के साथ। ऑनली लोनली हिल साइड, एक सुनसान पहाड़ी की तरफ। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉर, ऑल डे पूरे दिन, लॉन्ग ही चॉप्ड पूरे दिन, लंबे दिन पूरे दिन, ही चॉप्ड वुड, वह चॉप करता था, चॉप्ड मीन्स काटना, चॉप मीन्स काटना, ही चॉप्ड वुड, वुड काटता था, इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में, थ्रू ही वर्क वेरी हार्ड, थ्रू यानी कि हालांकि, थ्रू मीन्स हालांकि, या यदि भी बोल सकते हैं, हालांकि ही वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। He earned very little money. फिर भी वह क्या कमा पाता था, बहुत ही कम पैसा कमा पाता था, वेरी लिटिल मनी यानी बहुत कम पैसा कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड, और जिसके कारण वह क्या रहता था, सैड रहता था, दुखी। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, क्योंकि वह थॉटफुल सन था, सोचने वाला सन था, केयर करने वाला सन था, एंड वॉन्टेड टू गिव, और चाहता था टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स, क्या गिव एंड देना, हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने ओल्ड पेरेंट्स को, अपने बूढ़े माता पिता को, एवरीथिंग दे नीडेड, जो उनको चाहिए, एवरीथिंग यानी कि जो भी चाहिए, दे नीडेड चाहिए। ओके, वो थॉटफुल सन था, कौन, तारो, और वह चाहता था वह सब चीज़ें अपने मम्मी पापा को दे जो उनको चाहिए। लेकिन वो किस बात से दुखी था, कि वो इतनी मेहनत करता था फिर भी वो लिटिल अर्निंग कमा पाता था। One evening, एक शाम, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut. One evening, एक शाम, when Taro, जब Taro and his parents, और उनके parents were sitting, जब बैठे थे in a corner, एक corner पे of their hut, उनके hut के corner पे, a strong wind began to blow. एक strong wind, एक तेज हवा, wind began to blow. एक तेज हवाई. It whistled through the crack of the hut and everyone felt very cold. But whistled through the crack of the hut. वो झोपड़ी में से होते हुए तेज हवा का झोंका आया, and everyone felt very cold. और सबको क्या लगने लगी, ठंड लगने लगी, cold लगने लगा. Okay? Suddenly Taro's father said, और अचानक तारो के फादर ने बोला, I wish I had a cup of sake. मेरी इच्छा है, I had a cup of sake. मेरे पास क्या हो, cup of sake हो. Sake क्या होता है, जापान की प्रसिद्ध ड्रिंक है, जिसे पीकर क्या अनुभव होता है, क्या फील होता है, एक तो गर्माहट महसूस होती है। ओके, तो कोई भी आपसे पूछे सेक क्या होता है, इस जो चैप्टर में मेंशन किया गया है, तो जापान की एक फेमस ड्रिंक है, जिसको पीकर बॉडी में क्या फील होता है, वार्म फील होता है, यानी कि गर्माहट फील होती है। ओके, तो तारो के फादर की क्या इच्छा हुई, ही हैड ए कप ऑफ सेक, उसको पास में क्या हो, कप ऑफ सेक हो। इट कुड वार्म मी एंड डू माय ओल्ड हार्ट गुड, इट कुड वुड वार्म मी, वो मेरे को क्या करेगा, वार्म करेगा, गर्म करेगा। ओके, जो ठंड लग रही थी उससे उसको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी वो सेक पीने से। एंड डू माय ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे हार्ट को भी अच्छा लगेगा, मेरे दिल को भी अच्छा लगेगा, मेरे मन को भी अच्छा लगेगा। दिस वे तारो सैडर देन इवन,
दिस वेट, और इस ये इच्छा जताने पर उसके पिताजी ने क्या इच्छा जताई, काश मेरे पास वो सेफ होता जापान की प्रसिद्ध ड्रिंक का। तो उसके कारण दिस मेड तारो सैडर देन एवर, और सैड हो गया। ओके, पहले से सैड तो था ही, लेकिन ये इच्छा सुनने से और सैड हो गया। क्यों हो गया? फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड सैक, जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक थी, हार्ट वार्मिंग ड्रिंक यानी बॉडी में गर्माहट पैदा करने ड्रिंक कोल्ड सैक, जो सैक है वाज वेरी एक्सपेंसिव, वो कैसी, बहुत ही एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मींस बहुत ही महंगी है, अंडरस्टूड, एक्सपेंसिव मींस बहुत महंगी है। ओके, हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे ज्यादा अर्न करूं मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा। ओके, सोचा, हाउ डू आई गेट ए लिटिल सेक फॉर माय पुअर ओल्ड फादर, हाउ, कैसे डू आई गेट ए लिटिल सेक, मैं एक लिटिल शेक प्राप्त कर सकूं फॉर माय ओल्ड फादर, मेरे अपने ओल्ड फादर के लिए। He decided to work harder than before, और उसने decide किया वो work hard करेगा, okay? Than before, उस जो पहले work hard करता उससे भी ज़्यादा work hard करेगा, उसने decide किया, okay? Next morning, अगली सुबह तारो jump out of the bed earlier than usual and made his way to the work. Next morning, अगली सुबह तारो jumped out of the bed, bed से jumped out मतलब जल्दी उठ गया, earlier than usual, earlier यानी उससे भी जल्दी, than usual, usual यानी कि जो डेली जिस टाइम पे उठता था उस टाइम से भी जल्दी उठ गया, यूजुअल यानी कि हमेशा या सामान्य जिस टाइम पे उठता था तारो उससे पहले उठ गया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की ओर चला गया। ही चॉप्ड एंड कट, उसने चॉप किया, काटा एंड कट, कट किया। देखो चॉप और कट में क्या फर्क है, चॉप मतलब बारीक काटना और कट मतलब काटना। ओके, ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड and soon he was so warm, वो तब तक काटता रहा जब तक सन क्लाइंब नहीं गया, मतलब सूरज सूरज तेज खिल नहीं गया, यानी कि उसके ऊपर नहीं आ गया, उसके ओवर हेड नहीं हो गया। एंड सून ही वॉज सो वॉर्म, और वो जल्दी ही उसको क्या फील होने लगा, वार्म फील होने लगा, गर्माहट फील होने लगी, उसको गर्मी लगने लगी। काम करते तो बॉडी पसीना आता है कि नहीं आता है, तो इसी तरीके से तारों को भी गर्माहट फील होने लगी। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, इतनी गर्मी लगने लगी कि उसको अपनी जैकेट क्या करनी पड़ी, खोलनी पड़ी। His mouth was dry, उसका मुंह सूख गया था, and his face was wet with sweat, और उसका जो face था, face and चेहरा was wet, वो wet हो गया, गीला हो गया, with sweat, sweat यानी पसीने से। My poor old father, मेरे poor old father, my, ठीक है? He thought, उसने सोचा, if only he was as warm as I, काश वो भी इतने हैं, warm हो पाते जितना मैं अभी हूँ। उसने उस समय क्या सोचा, जब उसने अपनी jacket open की और उसका जब लिप्स सूखी हुई थी और माउथ पूरा पसीने से गिरा, तो वो उस समय सोचा काश इतनी मैं अभी वार्म फील कर रहा हूँ अपनी बॉडी में, मेरे पिताजी को इतनी फील कर पाता। ओके, उसके पिताजी को तो ठंड लग रही थी, सीवरिंग लग रही थी। एंड विथ दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, और ये सोचकर ही बिगन, उसने चालू की टू चॉप इवन फास्टर, और फास्टली चालू कर दी चॉप करना। ओके, यहाँ पे स्वीट आया था, उसका मीन्स क्या हो गया, पसीना। ओके, स्वीट मीन्स पसीना। Then suddenly Taro and with the he began to chop even faster और fast chop करने लगा, thinking of extra money, किसके बारे में सोचकर extra money कमाएगा। He must earn to buy the sack to warm the old man's body. He must buy, उसको खरीदना ही होगा, the sack वो जापानी spring to warm the old man's body, क्या body में old man था ना, उसके bones में क्या जाए, body में गर्माहट आ जाए, इसके लिए उसको उसे खरीदना ही था, इसलिए वो और ज्यादा फास्ट काम करने लगा, लकड़ियों को और जल्दी काट लिया। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, और उसके बाद वो तारो क्या हो गया, स्टॉप हो गया चॉपिंग, लकड़ी काटना। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, क्या साउंड था, ये उसने कुछ साउंड सुनी और वो पता करना चाहता था वो साउंड किसके थी। कुड इट पॉसिबली द रशिंग वाटर, और पॉसिबल है कि किसकी हो सकती है, रशिंग वाटर यानी भरते हुए पानी की, पॉसिबली में संभावना या शायद, पॉसिबल शायद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और रशिंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी। ओके, तो कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या वह शायद बहता हुआ पानी हो सकता है। उसने जो आवाज सुनी तो उसने क्या अंदाजा लगाया कि वो क्या हो सकता है, बहता हुआ। तारो कुड नॉट रिमेम्बर ईवर सिटिंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट, तारो कुड नॉट रिमेम्बर, तारो को ये रिमेम्बर नहीं रहा, ये याद नहीं रहा, ईवर सिंह अब तक उसने बिल्कुल नहीं देखा, ईवर सिंह यानी अब तक बिल्कुल नहीं देखा, और हियरिंग और सुना
ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट, इस पार्ट में रशिंग स्ट्रीम है, ओके okay, बहता हुआ झरना है या कुछ नाला बहता है, इस तरीके से कुछ नहीं सुना था, ओके okay? ही वाज थर्स्टी, वो बहुत प्यासा भी था, है ना। द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द सन, और उस वो जो बहता हुआ पानी था उसकी एक्स क्या थी, ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड्स, उसे हैंड से उसकी एक्स गिर गई, कुल्हाड़ी गिर गई, एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ दैट सन, और वो उस डायरेक्शन में दौड़ने लगा, ओके दौड़ने लगा यानी उस डायरेक्शन की ओर सुनने लगा। तारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, तारो सा तारो ने देखा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, बहुत सुंदर बहुत अच्छा लिटिल वाटरफॉल, वाटरफॉल यानी बहता हुआ पानी या झरना, हिडन बिहाइंड ए रॉक, हिडन एंड छुपा हुआ या वहां से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बिहाइंड ए रॉक, रॉक के पीछे से आ रहा है। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटरफॉल ट्वाइल, नीलिंग नीलिंग मीन्स घुटना टेकर बैठना, घुटना टेकर बैठना, तो नीलिंग एट ए प्लेस वहां पर प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट जहाँ वाटर बह रहा है, क्वाइटली चुपचाप बैठ गया। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड, कप्ड मतलब इस तरीके से मुट्ठी करना, पानी पीने के लिए इस तरीके से मुट्ठी करते ना तो उसको बोलते हैं कप्ड। ही कप्ड उसने सेब बने अपने हाथ से, कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड अपने हैंड में, एंड पुट इट टू हिज लिप्स और अपने लिप्स की ओर लगाया। वॉज इट वाटर, क्या ये वाटर है, क्या ये पानी है, और वॉज इट सेक, और क्या ये सेक है। He tasted it again and again, और उसको वो टेस्ट करने लगा again and again. And always it was the delicious shake, और ये हमेशा ये क्या था, ये delicious shake था, instead of cold water, बजाय की cold water के। तो जब उसने वो पिया था तो वो क्या था, shake था, ना कि cold water। अब आगे हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में नेक्स्ट वीडियो में, जो मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स करवाए वो आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, और जब मैं चैप्टर समझा रहा था तो मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स को भी एक्सप्लेन कर दिया। ओके बच्चों, थैंक यू।